कब से आने लगे लाइकोमा आपको? लाइकोमा सर मतलब 10 years हो गया। 10 years। और साइज इनका कम या क्या है? साइज सर ज्यादा बड़े नहीं है पिछले कुछ 2-3 सालों से, बट छोटे छोटे फॉर्म हुए हैं, मतलब अभी इनका जो रेशियो बढ़ने का रेशियो थोड़ा सा कम है। साइज ज्यादा नहीं बढ़ रहा है? साइज अभी नहीं, बट जो बढ़ चुके हैं काफी बढ़ चुके हैं। जी ये अच्छा है। टोटल कितने हैं आपके? अराउंड 30 है, 32 है। 32 है ना, ठीक है। धीरे धीरे इसमें कोई प्रॉब्लम भी आता है? नहीं सर, कोई कोई पेन होता है, इसको नर्व दबता होगा जैसे, ये थोड़ा सा है ये पेन होता है हल्का सा, अच्छा अच्छा, और ये है एक बड़ा सा। और साइज इनका कम नहीं हो रहा? नहीं साइज नहीं कम हो रहा सर, मैंने काफी होम्योपैथी किया हुआ है, आयुर्वेदिक वगैरह भी किया। क्या उसमें क्या हुआ उससे? कुछ हुआ नहीं सर, काफी ट्राई किया, महंगे महंगे होम्योपैथी वगैरह भी ट्राई की, बट ऐसा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट कहीं से नहीं आया। कितने दिन ट्राई किया आपने? मैं कुछ 3 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, 3-4 साल से। क्या क्या एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ लगाया भी? हाथ मतलब बोलते हैं कि ये लगाइए और वो, पता नहीं कुछ वो हल्दी और पता नहीं आटा पता नहीं अलग अलग यूट्यूब पे दिया हुआ है ये लगाओ वो लगाओ, बट मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया क्योंकि वो लगना नहीं था ऐसा कुछ। तो मैंने फाइनली सर्जरी का ही सोचा क्योंकि बेस्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी इसको इतने सारे जगहों पर आप कहाँ लेप लगाते रहेंगे और फिर कहाँ कहाँ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, सो दैट्स व्हाट टू गो फॉर सर्जरी। अच्छा, पहले होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्राई किया? होम्योपैथी तो बहुत ज्यादा ट्राई किया मैंने सर, उससे नहीं गायब नहीं हुए उससे, कुछ भी नहीं फर्क नहीं पड़ा। जैसे तो वैसे वो बोलने बोलने के लिए है कि जाएंगे यार, सर पता नहीं वो क्यों बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं है। मैंने किसी का भी नहीं देखा, नहीं देखा सर, मैंने भी किसी से नहीं देखा हुआ है, बस ये शायद साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ऐसे लगने लगता है कि बढ़ नहीं रहे हैं या और नहीं आ रहे हैं, हो सकता है सर, बट टेंडेंसी होगी बॉडी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है टेंडेंसी अलग लोगों की। फिलहाल सर्जरी तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें हम पंचर रोल कर करके इनको पहले लोकल एनेस्थेसिया देंगे सब में, ठीक है, एक एक करके, और इनको निकाल देंगे। इसके अंदर जो फैटी टिश्यू रहता है और कैप्सूल है, तो दोनों चीजें निकाल देंगे, तो फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा सर, जैसे अभी ये स्टमक पे जो बेली फैट है छोटे 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 जैसे मतलब अंदर रहेंगे वो छोड़ दो, तो उसको क्या कर सकते हैं? उनको कुछ अगर बहुत बड़े हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है।